हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टिंकलिंग डेंटिस्ट्री। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी ओरल हाइजीन की मेंटेन करने के लिए टूथपेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टूथपेस्ट एज अ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, किस ड्यूरेशन तक कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक क्वेरीज दैट यू हैव टू बी सॉर्टेड विथ इट, कि कौन सा टूथपेस्ट लेना और मेडिकेटेड टूथपेस्ट का लाइफ टाइम लेना सही भी होता है। बच्चों में स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो टूथपेस्ट दे रहे हैं वो किस कंपोजिशन का दे रहे हैं और बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट देना सही होता है एंड किस ड्यूरेशन से उन्हें टूथपेस्ट यूज़ कराना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टूथपेस्ट हमारी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम जानते हैं, ओरल हाइजीन हमारा एक गेटवे होता है जिसे प्रॉपर मेंटेन करना हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टूथपेस्ट में याद रखें, एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, एक नॉन मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं। फर्स्टली तो जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, रिमेंबर दैट टूथपेस्ट मेडिकेटेड कभी भी अपनी मर्जी से, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगी, कभी भी ना लें। हमेशा याद रखें कि टूथपेस्ट मेडिकेटेड अलग अलग कंपोजिशंस के अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। लाइक कुछ टूथपेस्ट हम रिकमेंड करते हैं फॉर डेंटल हाइपरसेंसिटिविटी के लिए, कुछ रिकमेंड करते हैं हम फॉर कैविटीज के लिए। सो दे हैव फॉर स्पेसिफिक कंपोजिशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एक कंपोजिशन हर रोल प्ले नहीं कर सकता। ओके, सो रिमेंबर दैट मेडिकेटेड टूथपेस्ट जब भी आप लें, किसी डॉक्टर से एडवाइस करके ही लें, क्योंकि टूथपेस्ट मेडिकेटेड ऑल्सो रिमेंबर दैट कि एक लाइफ हम लाइफ टाइम नहीं यूज़ कर सकते हैं। सर्टन ड्यूरेशन तक के लिए ही मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना बेहतर होता है। उसके बाद आप जो अपना नॉर्मल टूथपेस्ट है, एक अच्छे कंपोजिशन का, एक अच्छे उसका, उसे ही यूज़ करें, जो भी आपको बेहतर लगे। टूथपेस्ट में कुछ बातें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि टूथपेस्ट आप हमेशा अच्छा यूज़ करें बहुत ज़रूरी होता है। सो टूथपेस्ट जैसे कि हमारे दांतों के लिए एक लेयर ऑफ कोटिंग का काम करता है, एक लेयर देता है जिससे हमारे दांत हेल्दी, मजबूत बने रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिससे उनमें कैविटीज़ कम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, गम्स में हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और गम्स हमारे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। लाइफ लॉन्ग टूथपेस्ट इसलिए रिकमेंड किया जाता है ताकि जिससे हेल्दी दांत मेंटेन रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें ना हो। सो टूथपेस्ट में कंपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिशंस डिफरेंट रोल प्ले करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। जैसा कि मैंने बोला, टूथपेस्ट के कंपोजिशंस कुछ लाइफ टाइम के लिए अच्छे भी हैं और फॉर कुछ लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए अच्छे नहीं भी हैं। लाइक जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये कंपोजिशन है जिसे हम एज अ सजेशन लॉन्ग लाइफ टाइम यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस की और कॉमन कंपोजिशंस की जो टूथपेस्ट में हमेशा रहते हैं, उनका डिफरेंट पर्पस क्या होता है और उन्हें क्यों उनमें ऐड किया जाता है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस है, लाइक फर्स्ट फ्लोराइड एंड ज़ाइलिटॉल। फ्लोराइड एंड ज़ाइलिटॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जनरली हर टूथपेस्ट में देखेंगे फ्लोराइड एंड ज़ाइलिटॉल मेंशन होता है। तो इसका रोल क्या होता है? दीज आर दी एंटी कैरीज एजेंट। इनका काम होता है कैरीज को ना होने देने में हेल्प करना। इनका आइडियल कंसेंट्रेशन जो होता है वो लेस देन 1000 to 140 ppm होता है। देन कम्स टू द सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट भी एक एंटी कैरीज एजेंट का रोल प्ले करता है। डेंटल हाइपरसेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इन केस ऑफ अल्सर है, रिमेंबर दैट अल्सर है, तो उस केस में याद रखें, अगर जो सोडियम लॉरेल सल्फेट का कंपोजिशन वाला टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे यूज़ ना करें, उन केसेस में स्टॉप करें तब तक के ड्यूरेशन के लिए जब तक अल्सर ठीक नहीं हो जाता। अल्सर के केसेस में सोडियम लॉरेल सल्फेट का यूज़ नहीं करें। देन सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का रोल होता है टू प्रिवेंट द जर्म्स टू ग्रो, जर्म्स को ग्रो होने ना होने देने में हेल्प करना। देन अब्रेसिव एंड वाइटनिंग एजेंट्स भी होते हैं उसमें, जो दांत को वाइट रखने में हेल्प करते हैं। जनरली वाइटनिंग एजेंट्स टू इंग्रेडिएंट्स के कंपोजिशंस का ही उसमें डाला जाता है, कंपोजिशंस होते हैं लाइक हाइड्रेट सिलिका, देन ज़ाइलिटॉल एंड पोटेशियम। ज़ाइलिटॉल एंड पोटेशियम भी डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। देन कैल्शियम सोडियम फॉस्फोसिलिकेट, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। जनरली आपको ये हर टूथपेस्ट के कंपोजिशंस में स्पेसिफिक मेंशन किया मिल जाएगा। इसका काम भी होता है डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी को ना होने देने में हेल्प करना।
सो जैसा कि मैंने बताया, लाइक फ्लोराइड ज़ाइलिडॉल, लाइक सोडियम बेंजोएट, लाइक सोडियम लॉरेट सल्फेट, लाइक हाइड्रेट सिलिका, लाइक बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है टूथपेस्ट को ध्यान रखना कि हम उन्हें कौन सा टूथपेस्ट दे रहे हैं और किस एज से देना है। याद रखें, बच्चे जब 18 मंथ के हो जाएं, जब बच्चों की एज 18 मंथ हो जाए, तब उस एज से उन्हें हमें टूथपेस्ट यूज़ कराना सिखा देना चाहिए। एज अ पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस एज में उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देना कि उन्हें कितने अमाउंट में टूथपेस्ट यूज़ करना है। जनरली याद रखें, जो बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कितना क्वांटिटी में टूथपेस्ट लेना है, तो बच्चों में हमेशा बहुत माइनर क्वांटिटी में टूथपेस्ट देना चाहिए। लाइक पी शेप्ड क्वांटिटी इज इनफ फॉर चिल्ड्रंस, सो वी हैव टू गिव इन स्मॉल क्वांटिटी। ओके नाउ, और ये भी याद रखना है कि बच्चों में सिर्फ जो किड्स टूथपेस्ट किसी भी मेडिकल स्टोर में इजली मिल जाते हैं, सिर्फ वही देना है। उन्हें अडल्ट के टूथपेस्ट इन देयर स्मॉल एजेस हमें रिकमेंड नहीं करना चाहिए और उन्हें नहीं देना चाहिए। बच्चों को एज अ पेरेंट यहाँ पे ज़रूरी है टूथपेस्ट देना, उन्हें किस क्वांटिटी में यूज़ करना है ये अच्छे से गाइड करना, और किस टेक्निक से टूथपेस्ट करना है, किस ब्रशिंग मेथड क्या होनी चाहिए, ये प्रॉपर उस एज में उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। एडल्ट्स को हमेशा ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर जो मेडिकेटेड यूज़ कर रहे हैं तो किस ड्यूरेशन तक यूज़ कर रहे हैं, नॉन मेडिकेटेड कर रहे हैं तो किस ड्यूरेशन तक कर रहे हैं, मेडिकेटेड कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट से सजेशन लेके ही वो टूथपेस्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर कंपोजिशन का अलग पर्पस होता है, अलग रोल प्ले होता है। सो इसलिए एक कंपोजिशन ऑल रोल प्ले नहीं कर सकता। और नॉन मेडिकेटेड ले रहे हैं तो उसमें आप कंपोजिशंस जो मैंने बताए जनरली उन्हें आप देख के लें, दे आर बेटर कंपोजिशंस एंड गुड फॉर टीथ। नाउ यहाँ पे अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे टूथपेस्ट का। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एक काफ़ी अच्छा जो हम अपने रेगुलर बेसिस में यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट, दैट इज़ हिमालय का वाइटनिंग स्पार्कल इज वन ऑफ द गुड टूथपेस्ट यू कैन यूज़। मैंने किसी एड प्रमोशन से नहीं किया ये, जो मेरे सजेशंस में जो मैंने कंपोजिशंस इनका देख के मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर वी कैन यूज़ इट दिस टूथपेस्ट। सो हिमालय का वाइटनिंग स्पार्कल इज़ वन ऑफ द गुड टूथपेस्ट, इनके कंपोजिशंस काफ़ी अच्छे हैं और इनमें कोई हार्श केमिकल्स का भी यूज़ नहीं है। देन वी कैन यूज़ बायोमेट प्रोपिलिन, बेंटोडेट भी अच्छे टूथपेस्ट हैं, इनमें भी कोई टॉक्सिन, दे आर टॉक्सिन फ्री, इनमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं होता, दे आर 100% सेफ और इनमें ये सल्फर फ्री होते हैं। सो वी कैन यूज़ डेफिनेटली दिस टूथपेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। सो लाइक जैसे मैंने बताया यहाँ पे हिमालयन वाइटनिंग स्पार्कल, आई रिपीट वेंटोडेट, और सो हिमालयन वाइटनिंग स्पार्कल, वेंटोडेट, बायोमेट प्रोपिलिन, दीज आर दी मोस्ट कॉमन रिकमेंडेड टूथपेस्ट एंड ये काफ़ी अच्छे टूथपेस्ट हैं, 100% सेफ टूथपेस्ट है, इनमें कोई सल्फर फ्री हैं, दे आर टॉक्सिन फ्री एंड दे हैव नो कलर प्रिजर्वेटिव्स और अदर केमिकल हार्श केमिकल्स इनमें कोई ज़्यादा नहीं है। सो ये रेगुलर बेसिस के लिए काफ़ी अच्छे टूथपेस्ट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर जो हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आई रिपीट वंस अगेन एट लास्ट कि हमेशा याद करें, मेडिकेटेड है तो किस ड्यूरेशन तक यूज़ करना है, नॉन मेडिकेटेड है तो उनमें बेस्ट कौन सा है। मैं कुछ बेस्ट टूथपेस्ट भी आपको रिकमेंड किए हैं, अगर आप चाहें तो उनमें से कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, दे आर 100% जेन्युइन एंड 100% सेफ एंड यू गुड फॉर लॉन्ग टाइम यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।